एक्सेल का ये बहुत कॉमन एरर है। एरर कौन सा है देखो, अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये एरर आता है, डिव एरर, हैश डिव। क्या आता है? हैश डिव। तो यहां पर अगर मैं इसको जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो हैश डिव एरर आएगा। लेकिन फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट में? इज इक्वल टू से। तो इज इक्वल टू लगाया और मान लो फाइव को ही जीरो से डिवाइड करने की कोशिश मैं करूं तो यहां पे हैश डिव ये एरर आएगा। तो इस एरर को ध्यान से समझ लेना, किसी भी नंबर को डिवाइड करो। जैसे मान लो यहां पे अगर मैं सेवन को डिवाइड करता हूं जीरो से, ये एक नंबर की बात नहीं है, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हैश डिव एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब वो कोई भी बड़ा या छोटा नंबर हो सकता है, जैसे 1000 या 10000 को ही डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हैश डिव एरर आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैश डिव एरर कब आता है, तो जब जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो हैश डिव एरर आएगा। ठीक है ना, अब ये कोई जरूरी नहीं है छोटे नंबर को बड़े नंबर से, जैसे मान लीजिए ये है ना, तो यहाँ पे सेवन है तो सेवन को हमने कर दिया, टेन को, थाउजेंड को, 1000 को, 150 को, किसी को भी जीरो से करेंगे तो ये हैश डिव एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए, देखिए हैश डिव आ जाएगा, तुरंत आ रहा है।